तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में। ये आपके सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है, इसे आप दो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अपने पर्सनल के लिए भी आप इस गाड़ी को रख सकते हैं। अगर आप इस गाड़ी को टैक्सी में भी चलाना चाहते हैं तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। और इस गाड़ी का सबसे बड़ा फायदा ये है भाई कि 5 सीटर के साथ साथ काफी अच्छा खासा स्पेस इसके कैबिन में देखने को मिल जाता है। और एक फायदा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसका बूट स्पेस। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस गाड़ी की जो डिमांड है मार्केट में काफी अच्छी है। 1.2 लीटर का डुअल जेट 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। मैनुअल ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये VXI वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। जरूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर जो आप 2024 में अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार ढूंढ रहे हैं और ट्रिप व्रिप ज्यादा करते हैं तो बूट स्पेस आपको ज्यादा चाहिए और गाड़ी थोड़ी प्रीमियम चाहिए तो ये डिजायर आपके लिए काफी बेहतरीन जो है वो हो सकती है कि नहीं, सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 7,49,000 एक्सट्रीम कीमत में यह गाड़ी आपको पड़ जाएगी। चलिए बात करते हैं इस पर्टिकुलर VXI वेरिएंट में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर जो आप इस गाड़ी की चाबी की बात करेंगे तो ऐसी कुछ चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग वगैरह मिल जाएगा। पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट से नो डाउट गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है भाई, और यहाँ देखेंगे तो काफी बड़ी सी क्रोम गार्निश की पट्टी जो है वो लगाई गई है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ, इस गाड़ी के साथ आप टैक्सी वगैरह चलाना चाहते हैं तो एक टूरस करके वेरिएंट आता है वो आप ले सकते हैं। अगर जो आपको प्राइवेट में अपने फैमिली के लिए यूज करना है तो ये ऐसी कुछ जो गाड़ी है या ऐसा कुछ सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलैम्प्स यूनिट यूज की गई है। हैलोजन ही मिलेगा जिसे आप लो बीम और हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद थोड़ा और नीचे देखते हैं तो VXI वेरिएंट में आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। फॉग लैंप वगैरह आप एसेसरीज में ले सकते हैं। और इस गाड़ी के साथ भाई लगभग 25,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर जैसे तमाम एसेसरीज के सामान जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी फ्रंट से ऐसे नजर आती है। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आ जाती है। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई है ना, उस हिसाब से आपको केबिन में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। इसके टायर साइज की बात करेंगे तो आपको 165/80R 14 इंच के साथ नॉर्मल सी स्टील रिम मिल जाएगी। कंपनी फिटेड आपको काफ़ी स्टाइलिश सी व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाती है। ABS CVD जो ब्रेकिंग से संबंधित फीचर्स होते हैं वो भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। बॉडी कलर आपको ORV में मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको नॉर्मल एंटीना ऑफर की गई है। रियर को देखते हैं भाई तो रियर से गाड़ी काफी बेहतरीन और काफी शानदार लगती है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। काफी बड़ी सी क्रोम गार्निश की एक पट्टी यूज की गई है, डिजाइन लिखा गया है। बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी टेल लैंप यूनिट मिल जाती है। LED मिलता है, ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, सीवीएस लैंप इसका यहाँ पे ऑफर किया गया है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है कि जैसे मान लीजिए 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो जब आप गाड़ी को बैग लेते हैं तो टू टू करके गाड़ी आपको बताती रहती है। दोनों साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो 2 हैलोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और रियर में ही है तो जो इसका बूट है वो चकरवा देते हैं तो ऐसे ही अनलॉक करके, और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन जो है वो देखने को मिल जाता है तो ऐसा कुछ इसका बूट डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 368 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस मिल जाती है। और ये जो एसेसरीज के सामान जो मैं आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है। डिजायर की एक बात हमको काफी बुरी लगती है, जी हाँ देखिए भाई 150 रुपए के चक्कर में भाई ये चीज खुला खुला रख दिया जाता है। मान लीजिए अभी गाड़ी नई है तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इस गाड़ी में कुछ सामान वगैरह रखते हैं तो ये तार वगैरह जो है वो टूट सकती हैं, तो कंपनी को भाई यहाँ इंसुलेशन वगैरह जो है वो लगा देना चाहिए। पर भाई कंपनियां क्या करते हैं कुछ समझ में नहीं आता है। 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ऐसा कुछ सिस्टम इसके बाहर का है। तो आइए अंदर क्या कुछ फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसके डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन के साथ आपको इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फैब्रिक की यूज मिल जाएगी। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, चारों विंडो को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। ORVM के जो कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। सिल्वर स्निच के साथ डोर ओपनर, बोटर होल्डर, पेपर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट जो है वो भी देखने को मिल जाती है। सीट की बात करेंगे भाई तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है जिसे आप हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक और जो इसका डिक्की है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको कई सारी बटन्स दी गई हैं, हेडलैम्प का लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल्स, ABC, एक्सेलरेटर, ब्रेक क्लच के साथ साथ सारी चीजें ऑफर की गई हैं। और यहीं से जो इसका बोनट है आप ओपन कर सकते हैं। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो टिल्ट बे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेडरेस्ट के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको वाइपर का कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 एयरबैग आपको मिल जाएगा, एक ड्राइवर साइड, एक आपको को ड्राइवर साइड एयरबैग जो है वो देखने को मिल जाता है। सुजुकी का लोगो ऑफर किया गया है। और इसके इंटीरियर में देखेंगे तो हर जगह सिल्वर स्निच का ज्यादातर यूज किया गया है, वो चीज हाईलाइट भी हो रही है। इसके स्टीयरिंग पे भी आपको सिल्वर स्निच मिल जाएगा, सेंटर में भी आपको सिल्वर स्निच जो है वो देखने को मिल जाता है। म्यूजिक सिस्टम के सारे कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग पे ही देखने को मिल जाएगा।
जाएगा जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो। फोन उठाने के, काटने के, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जो मोड है आप यहीं स्टीयरिंग से ही चेंज कर सकते हैं। म्यूजिक अगर आपको म्यूट करना हो तो आप यहीं से म्यूट कर सकते हैं। स्पीडोमीटर के साथ स्टेकोमीटर जो है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और गाड़ी के फ्यूल इकोनोमीटर पे भी माइलेज वगैरह के बारे में चेक करना हो तो आप इस बटन को प्रेस करके चेक कर सकते हैं। डुअल टोन डैशबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर, वैलिटी मिरर के साथ साथ डे नाइट IRBM, हैलोजन लाइट, जो आप फोनोग्राफ से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। उसके बाद भाई जब आप इस गाड़ी के सेंटर को देखते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले 2.8 वेंट्स मिल जाएगा। हजार लाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। सिल्वर फिन्स का यूज किया गया है और गाड़ी की इंटीरियर को लुक को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको वुडन फिन्स का यूज जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। ये है कि VXI मॉडल में आपको कोई भी टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलता है। टच करके वॉल्यूम अप डाउन वगैरह जो है वो सेट कर सकते हैं। ट्यून वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इस म्यूजिक सिस्टम में आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB कनेक्टिविटी और उसके साथ साथ ऑक्स वाला केबल लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक वैल्यू फॉर मनी या कम बजट में काम चलाने की बात आ जाती है, प्राइस के साथ साथ ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको AC के सारे कंट्रोल्स हो गए, जैसा कि टेम्परेचर सेट करना हो, फैन स्पीड वगैरह बढ़ाना हो, मोड वगैरह को चेंज करना हो तो आप यहीं से सारी चीजों को कर सकते हैं। रिसर्कुलेशन वाली बटन भी ऑफर की गई है। यहाँ देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट के साथ साथ ऑक्स वाला केबल आप यहाँ से लगा के म्यूजिक वगैरह जो है वो आप चला सकते हैं। स्टोरेज दिया गया है 2 कप फोल्डर, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, VXI से ही ऑटोमेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ देखते हैं तो नॉर्मल सा हैंडब्रेक क्रोम इंसर्ट के साथ, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर की गई है। और यहाँ देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, स्टोरेज वगैरह दिया गया है, फोन वगैरह आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD 2000 के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लूप फिलोनिक सीट बेल्ट टॉनिक क्रश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में फीचर्स ऑफर किए गए हैं, कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है और यही वेरिएंट काफी वैल्यू फॉर मनी जो है वो माना जाता है। जिस हिसाब से ये गाड़ी 5-seater है उस हिसाब से इसके रियर में कितना स्पेस वगैरह मिल जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती है। डुअल टोन के साथ आपको डोर मिल जाएगा, आप यहीं से मिरर अप डाउन कर सकते हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट यहां पे दी गई है, बोतल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद सीट पर जब आप नजर डालते हैं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। और इसके सेंटर में देखते हैं तो आर्मरेस्ट भी आपको ऑफर कर दिया जाता है 2 कप फोल्डर के साथ। और मारुति की भाई एक बात हमको काफ़ी अच्छी लगती है, चाहे आप छोटी से छोटी गाड़ी ले लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा खासा थाई सपोर्ट हो गया, लेग रूम हो गया, हेड रूम हो गया, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको काफ़ी अच्छी खासी और काफ़ी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और इसके केबिन में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस नजर आ रहा है, 3 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। मारुति के लाइनअप ये गाड़ी इंटीरियर से काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी बेहतरीन तरीके का थीम जो है वो यूज किया गया है। यहाँ देखते हैं तो हैलोजन लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और यहाँ देखेंगे तो इसके रियर में भी आपको 2.8 वेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। तो आइए चेक करवा देते हैं इस गाड़ी का इंजन प्रोफाइल, इस गाड़ी में जो इंजन लगाया गया है कितनी पावर देता है माइलेज वगैरह के बारे में बता देते हैं। और जो इसका बोनट है भाई आप यहां से ओपन कर सकते हैं। और ये रहा डिजायर में आने वाला 1.2 लीटर का BXS फेस 2 इंजन, 88 BHP की पावर, 113 Nm का टॉर्क निकालता है, 22 KMPL के माइलेज कंपनी क्लेम करती है। और इस वेरिएंट में आपको CNG का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर जो आप नॉर्मल पेट्रोल से CNG में जाते हैं तो तकरीबन आपको 1,00,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। स्पेस वगैरह आपको ज्यादा चाहिए तो आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर इंटीरियर ऑल डिटेल। ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और इस कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।